अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ायज़ाज़ कार स्क्वाड। आज हम मौजूद है मरी रोड पर, जहाँ पे मैं आपको सेकंड हैंड गाड़ियों का रिव्यू करवाऊंगी और उन गाड़ियों से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन रूम वगैरह, तमाम चीज़ों की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि अब जब गाड़ी खरीदने के लिए आएंगे तो वो डिटेल आपको हेल्प आउट करेगी। जी व्यूअर्स, तो वीडियो में पहली गाड़ी जो मैं ऐड करूंगी वो है वर्ट्स। 2007 का ये मॉडल है और 2013 की रजिस्ट्रेशन है। राजा मोटर्स रावलपिंडी में आपको ये गाड़ी मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में। इस गाड़ी की व्यूअर्स मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है कमेंट्स में कि आप ये गाड़ी वीडियो में ऐड करें। जी व्यूअर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की अगर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट में आप इसकी लाइट्स की, बम्पर की, फ्रंट ग्रिल वायर की कंडीशन देख सकते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन में फ्रंट से आपको गाड़ी मिल रही है, जिसमें फोग लाइट्स भी इंस्टॉल्ड हैं। बात की अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में इसके फेंडर की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल स्क्रैचलेस है। और टायर्स की अगर बात करूँ तो टायर्स आपको 70-80% मिलेंगे। गाड़ी की साइड प्रोफाइल में मैं आपको इसके डोर की कंडीशन भी दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल स्क्रैचलेस है। साइड से भी गाड़ी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है। इसी के साथ मैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल भी आपको दिखा देती हूँ। साइड की तरह आपको गाड़ी बैक से भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है, और इसकी जो बैक की लाइट्स हैं और बाकी जो चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड हैं वो आपको एज इट इज़ अपनी कंडीशन में मिलेंगी। बात की जाए अगर गाड़ी के लेफ़्ट साइड प्रोफाइल की, तो लेफ़्ट में मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ, जिसमें इसके फेंडर की, टायर की और ओवरऑल दोनों डोर्स की कंडीशन में मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल आपको गाड़ी इस साइड से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रही है। कोई स्क्रैचेस पे नहीं है और डेंट वगैरह कोई नहीं है गाड़ी में। गाड़ी आपको अंदर अच्छी कंडीशन में मिल रही है। गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है, इसके बाद हम चलेंगे गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। जी व्यूअर्स, तो इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाड़ी का डोर दिखाऊंगी। गाड़ी के डोर की साइड्स की कंडीशन में आपको दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल भी रिपेयर नहीं है और जेन्युइन अपनी कंडीशन में आपको ओवरऑल पूरा डोर मिलेगा। डोर के बाद बात की जाए अगर गाड़ी की फ्रंट पट्टी की, तो इसके पिलर्स की कंडीशन में आपको दिखा देती हूँ। पिलर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, जो कि जेन्युइन अपनी कंडीशन में है, बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुए। इसी के साथ हम चलेंगे गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ। इसका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल स्क्रैचलेस है, वो जेन्युइन अपनी कंडीशन में है। और इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो हमारे पास एलईडी पैनल है, और इसी के साथ इसमें जो एसी है वो वर्किंग कंडीशन में है। बात की जाए कार की अगर सीट्स की, तो फैब्रिक सीट्स इसमें इंस्टॉल्ड है, जो कि इंतहाई अच्छी कंडीशन में है। और ओवरऑल फ्रंट से गाड़ी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए गाड़ी के बैक डोर और बैक सीट्स की, तो उसकी कंडीशन में मैं आपको दिखा देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो बात की जाए अगर बैक डोर की, तो उसकी साइड्स में आपको दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल रिपेयर नहीं है और जेन्युइन अपनी कंडीशन में है। इसी तरह अगर पिलर्स की कंडीशन में दिखाऊं, तो फ्रंट की तरह इसके बैक के पिलर्स भी अपनी जेन्युइन कंडीशन में है। बात की जाए अगर गाड़ी की बैक सीट्स की, तो बैक सीट्स की कंडीशन में फ्रंट की तरह आपको बहुत ही अच्छी मिल रही है। ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर जो है वो आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया है, इसके बाद चलेंगे हम गाड़ी के इंजन रूम की तरफ। गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद बात की जाए अगर गाड़ी के इंजन रूम की, तो गाड़ी का इंजन रूम भी आपको इंतहाई अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई काम नहीं है। गाड़ी की इंजन रूम की आप साइड्स में आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट की इसकी पट्टी की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, और आप इसके बोनट की साइड की कंडीशन भी देख सकते हैं, जिसमें किसी किस्म का रस्ट नहीं है और इंजन रूम अपनी जेन्युइन कंडीशन में है। जी व्यूअर्स, तो बात की अगर खूबसूरत गाड़ी के डिमांड की, तो 20,50,000 में ये गाड़ी आपको मिल रही है, जिसमें जब आप खरीदने आएंगे तो मजीद नेगोशिएशन भी हो जाएगी। व्यूअर्स, तो वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी जो मैं ऐड करूंगी वो है चिंगान कारवान। 2020 का ये मॉडल है और 2020 की ये रजिस्ट्रेशन। बात की जाए अगर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट से ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेगी। इसकी बम्पर बोनट लाइट्स की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बिल्कुल स्क्रैचलेस है। फोग लाइट्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल दिखाने के बाद आपको मैं लेके चलती हूँ गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टायर देखेंगे, जो कि अच्छी कंडीशन में है, 70-80% आपको मिलेंगे। इसके फेंडर की अगर बात की जाए गाड़ी के फ्रंट की तरह, वो भी बिल्कुल स्क्रैचलेस है। बात की जाए अगर गाड़ी की डोर की, तो गाड़ी का फ्रंट डोर आपको बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिलेगा। इसी के साथ गाड़ी के फ्रंट डोर दिखाते हुए मैं आपको बैक डोर की तरफ लेके चलती हूँ। गाड़ी का बैक डोर भी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेगा, जो कि बिल्कुल स्क्रैचलेस है। गाड़ी की राइट साइड दिखाने के बाद मैं आपको लेके चलूँगी गाड़ी की बैक साइड की तरफ। गाड़ी की बैक साइड की कंडीशन आपको दिखा देते हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। और इसकी लाइट्स की कंडीशन और एम्बलम वगैरह और पैजेस की कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी आपको बैक से भी बिल्कुल स्क्रैचलेस मिलेगी। इसी के साथ चलेंगे हम गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल दिखाने के लिए। बात की जाए अगर गाड़ी की लेफ्ट साइड प्रोफाइल की, तो राइट की तरह आपको गाड़ी लेफ्ट से भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है, और किसी किस्म का स्क्रैच नहीं है गाड़ी पर, किसी किस्म का डेंट नहीं है। गाड़ी आपको लेफ्ट से भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है।
गाड़ी के एक्सटीरियर के बाद चलेंगे हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल आऊँगी गाड़ी के डोर की तरफ, तो डोर आपको जेन्युइन अपनी कंडीशन में मिल रहा है। ओवरऑल डोर की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसी तरीके से अगर बात की जाए गाड़ी के डोर पिलर्स की, तो डोर पिलर्स की कंडीशन में मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि जेन्युइन आपको अपनी कंडीशन में मिलेंगे, बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुए हुए। इसी के साथ हम गाड़ी की सीट्स की तरफ आपको लेके चलते हैं और बाकी का इंटीरियर भी दिखाते हैं। जी हाँ, तो बात की जाए अगर गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। फैब्रिक सीट्स इसमें इंस्टॉल्ड हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी हालत में मिल रही है। इसी के साथ बात की जाए अगर गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। स्क्रैचलेस इसका डैशबोर्ड है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये गाड़ी अगर बुलान के साथ हम इसको कंपेयर करें, तो फीचर्स वाइज ये बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत अच्छी प्राइस में आपको मिल रही है। गाड़ी में जो बेसिक सा डीवीडी प्लेयर इंस्टॉल्ड है और इसका जो एसी है वो वर्किंग कंडीशन में आपको मिल रहा है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी फैमिली कार है, तो ये गाड़ी अंदर से बहुत अच्छी, इस गाड़ी में स्पेस है और बहुत ही अच्छी इस गाड़ी की कंडीशन भी है। बात कीजिए अगर गाड़ी की बैक सीट्स की, तो बैक सीट्स की कंडीशन आप देख लें, जो कि फ्रंट की तरह आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है। और इसी के साथ ये 7 सीटर कार है, तो इसकी बैक की कंडीशन में मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी आपको बैक सीट्स भी इसकी मिलती हैं। गाड़ी में बहुत अच्छी स्पेस है और बहुत अच्छी कंडीशन में बैक से भी आपको गाड़ी मिलती है। गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया। जी व्यवर्स, तो इस खूबसूरत गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है वो 20 लाख रुपए की जा रही है, जो कि इसकी फाइनल डिमांड नहीं है। अगर आप गाड़ी ख़रीदने के लिए आएंगे, तो इसमें मज़ीद नेगोशिएशन भी हो जाएगी। गाड़ी की मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं और राजा मोटर्स मरी रोड का विजिट भी कर सकते हैं। जी व्यवर्स, तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुँची। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।